नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के अफजलगढ़ की, जहां गांव कादराबाद में गुलदार का आतंक छाया हुआ है। गुलदार ने एक पालतू कुत्ते को निशाना बनाते हुए मार डाला। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़कर वन क्षेत्र में छुड़वाने की मांग की। ग्रामीण प्रशांत राघव ने बताया कि गांव के समीप उनके घर पर बीती रात गुलदार ने घर के बाहर बंधे उनके पालतू कुत्ते को पकड़कर मार दिया। कुत्ते के आवाज पर उनके पिता जगवीर सिंह की आंख खुल गई। उन्होंने बाहर आकर टॉर्च जलाई तो देखा कि गुलदार ने कुत्ते को मार दिया और उन्होंने शोर मचाते हुए गुलदार को वहां से भगाया। ग्रामीण ध्यान सिंह, भूदेव सिंह, मंगल सिंह, इंद्रपाल, नन्हे सिंह, जाहिद, जगवीर सिंह, जीवन सिंह, अनुज राघव तथा मनोज कुमार आदि का कहना है कि गुलदार अक्सर गांव के आबादी के आसपास सहित खेतों पर नजर आ रहा है। उन्होंने कई बार वन कर्मियों को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों ने फिर से वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़कर वन क्षेत्र में छुड़वाने की मांग की है। उधर इस संबंध में वन दरोगा सुनील राजौरा ने ग्रामीणों से सतर्कता बरतने व गुलदार को पकड़कर जंगल में छोड़े जाने की बात कही। पीड़ित प्रशांत राघव ने जानकारी देते हुए बताया, मेरा नाम प्रशांत राघव है, कादराबाद का रहने वाला हूँ। रात बीती, देर रात करीब लगभग 2 बजे मेरे पालतू कुत्ते को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया है और उसे मार दिया। कई बार वन विभाग से हम इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। क्या है? और रोज आबादी के बीच गुलदार देखा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले विजयनगर में भी 2 बछड़ों को निवाला बनाया था उसने। हम मांग करते हैं कि वन विभाग पिंजरा लगाकर इसको जल्द से जल्द पकड़े। और इसी के साथ जुड़े हैं बंधन समाचार के साथ।